नमस्कार, गुजरात फर्स्ट में आपનું સ્વાગત છે અને સમાચારો સાથે હું છું દિવ્યા. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ ગુજરાત પ્રવાસે જે સંબોધન કરી રહ્યા છે, સીધા જઈશું. બુદ્ધ સ્થાન પ્રાપ્ત કરને મે કોઈ બાધા ન રહે એ ભારતીય જનતા પાર્ટી કી નરેન્દ્ર મોદી સરકાર ને કિયા હે. મિત્રો, ઇસકે સાથ સાથ ઇસ દેશ કે ગરીબો કે ઘર મે હર પ્રકાર કી સુવિધા પહોંચે ઇસકી ચિંતા નરેન્દ્ર મોદી જી. और वो चिंता इसलिए की कि नरेंद्र मोदी जी भी एक गरीब के घर में जन्म लेकर लोकतंत्र के आधार पर इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं. पहली बार इतनी गरीबी में से निकला हुआ आदमी देश का प्रधानमंत्री. गरीब के घर की पीड़ा को जानने वाले इस व्यक्ति ने लगभग 13 करोड़ लोगों के घर में गैस का सिलेंडर भेजा, 10 करोड़ घरों में शौचालय भेजा, 3 करोड़ लोगों को घर दिया, 3 करोड़ से ज्यादा घरों में बिजली पहुंचाई, 70 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं मुफ्त में कर दी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत कार्ड की योजना के तहत. और इसके साथ साथ 80 करोड़ लोगों को 2.5 साल से प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम किया. और वो हमेशा के लिए अब 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार. ओबीसी समाज हो, गरीब समाज हो, सबको ये चिंता थी कि जो पैसे वाले हैं, जो पोजीशन वाले हैं, जो आगे हैं, वो तो कोरोना से कुछ भी कर बच जाएंगे, गरीब का क्या होगा. परंतु गरीब हो या तवंगर, सबको एक लाइन में खड़ा कर 130 करोड़ लोगों को टीका लगाने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मेरी बहन को कोरोना के काल के बाद अमेरिका से यहां आना था, टिकटें हो गई थी, वीजा हो गया था, सब कुछ हो गया था, टिकट कैंसिल कर दी. मैंने फोन किया, क्यों कैंसिल कर दी? तो उसने कहा हमारा सर्टिफिकेट नहीं, वैक्सीनेशन तो कब का हो गया, या सर्टिफिकेट 60 दिन के बाद मिलता है अमेरिका में, और आपका सर्टिफिकेट आपके मोबाइल पर 2 ही मिनट में मोदी जी का हंसता हुआ फोटो के साथ. टेक्नोलॉजी का उपयोग समाज में नीचे से नीचे रहे व्यक्ति के फायदे के लिए कैसे हो सकता है, इसका काम प्रधानमंत्री जी ने. बिहार से यहां मजदूरी के लिए रहते हुए, सूरत में रहते हुए, अहमदाबाद में रहते हुए गरीब से गरीब व्यक्ति को अपना राशन लेना है तो राशन कार्ड की दुकान पर जाकर अंगूठा लगाएगा तो 1 किलो गेहूं यहां लेगा, 4 किलो गेहूं उसका परिवार वहां लेगा, दोनों को मुफ्त गेहूं मिल जाएगा, पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं. आज इसका गेहूं, इसका चावल चोरी नहीं हो. टेक्नोलॉजी का उपयोग कर ये व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने पूरा भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया. सरकार की 300 योजनाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से सीधा गरीब के बैंक अकाउंट में सहायता भेजने की शुरुआत कर आज बिचौलियों को इस देश से समाप्त करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया. और आप सबको गौरव होना चाहिए, हमें तो है ही, हम साथ में काम किए हैं, वो गुजरात के हैं, और देश के लिए भी गौरव है. मगर आप सबको गौरव होना चाहिए कि मोदी जी आपके समाज के. और राठौड़ तेली साहू मोदी समाज का देश को बहुत बड़ा योगदान है कि आपने एक ऐसा प्रधानमंत्री दिया है जिसने भारत के गौरव को दुनिया में प्रस्थापित करने का काम किया. बाइडन भी अगर कहते हैं कि हमें मोदी जी आपका ऑटोग्राफ चाहिए, आप अमेरिका में बहुत तब भारतीय नाते बहुत आनंद आता है, बहुत गौरव होता है, बहुत खुशी की महसूस होती है. ये आज सभी भारतीयों के लिए एक गौरव का विषय है. 11वें स्थान पर भारत का अर्थतंत्र था, आज 5वें स्थान पर ला दिया. और नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की इकोनॉमी हम 2025 तक बना देंगे.
बहुत बड़ा लक्ष्य। स्मार्टफोन कंजम्पशन में दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गए, मोबाइल निर्माता में दूसरा में दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गए, तीसरा नंबर का एविएशन मार्केट बढ़ गए, ऑटो मार्केट में दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गए, तीसरे बड़े स्टार्टअप के जिस देश में है दुनिया में इसमें तीसरे नंबर पर आ गए, और रिन्यूएबल एनर्जी में भी हम दुनिया में तीसरे नंबर। इन 9 साल की यात्रा भारत की, एक और 61 साल की यात्रा, एक और 65 साल की यात्रा और एक और 9 साल की यात्रा, दोनों में मोदी जी के 9 साल का पलड़ा भारी है। इस प्रकार से मित्रों, आज मैं जब यहाँ आया हूँ, पहले भी एक बार सोम भाई ने मुझे बुलाया था, 18 या 19 में सूरत में सम्मेलन था, मैं सूरत में आया था, आज आपने फिर से बुलाया। आज तो आप मेरे क्षेत्र में, मेरे संसदीय क्षेत्र तो नहीं मगर इसी शहर से मैं चुन कर जाता हूँ, वहाँ पर आप आए हैं, मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है। आपने मेरा सम्मान किया, मेरे साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता यहाँ पहली मंच की रोल में बैठे हुए दिखते हैं, सभी का आपने सम्मान किया, इसलिए मैं हृदय से आपका धन्यवादी हूँ। और पुनेश भाई ने एक लड़ाई लड़ी है बड़ी मजबूती से, हर समाज को व्यक्ति का अगर कोई अपमान करता है तो ये छोटी बात है, परंतु समाज का और देश के प्रधानमंत्री का अपमान करता है तो वो समाज का अपमान होता है, समग्र देश का अपमान होता है। सुरेश भाई ने लड़ाई को बहुत खंत से, सटीक तरीके से और परिणाम लक्षी तरीके से लड़ा है, विजयी भी हुए हैं। मैं आप सभी को और पुनेश भाई को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ, समाज के सम्मान की लड़ाई को आप लड़ रहे हो और हम सब पूरा देश आपके साथ है। फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे मिलने का मौका दिया, विशेषकर पुनेश भाई और सोम भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ बुलाकर देश भर के राठौर, साहू, तेली, मोदी समाज को मिलने का मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता જે રીતે અત્યારે અમિત શાહ દ્વારા સંબોધન કરવામાં આવ્યું હતું વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને લઈને, તેમણે પોતાના સંબોધનમાં વાત કરી અને તેમણે કહ્યું કે દેશમાં મોદી સમાજનું એક ખૂબ જ મોટું યોગદાન છે અને મોદી સમાજનું અપમાન થાય છે જ્યારે વડાપ્રધાનનું અપમાન કરવામાં આવે છે અને આ સમગ્ર દેશનું પણ અપમાન છે।